नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज फॉर यू चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखेंगे और सीखेंगे लिवोमैक 500 mg टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस लिवोमैक 500 mg टैबलेट का पूरा रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे इसकी कंपनी के बारे में, इसका कॉम्पोजिशन, इसका प्राइस कितना है, इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव के बारे में, इसका ये जो दवाई है ये काम कैसे करता है, इसका यूजेस, इसका डोजेस, इसका साइड इफेक्ट और कुछ सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। अगर आप लोग ये पूरा जानकारी जानना चाहते हो इस टैबलेट के बारे में तो इस वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे जान लेते हैं इसके कंपनी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो कि इसका कंपनी है मैकलॉड्स फार्मास्यूटिकल। जी दोस्तों, एक ये मैकलॉड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का बहुत ही एक फेमस मशहूर दवाई है। अभी आगे जान लेते हैं इसका इंग्रेडिएंट यानी कि कॉम्पोजिशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका कॉन्टेंट है लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg। जैसे कि आप लोग इधर देख पाओगे कि लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg, यही इसका कॉन्टेंट है, कंपनी ने इसके अंदर डाला हुआ है। अभी आगे बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका जो प्राइस है वो है 100.68, यानी कि 100 रुपए के आसपास ये इसका प्राइस है। ये वन स्टिक पे 10 टैबलेट रहता है, यानी कि 10 गोली रहता है। अभी आगे जान लेते हैं इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड लिवोफ्लोक्स 500, फाइनल 500, लॉक्सॉफ 500, एलसिन 500, यही है इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड। अगर आप लोगों को नियरेस्ट केमिस्ट शॉप पे लिवोमैक 500 नहीं मिल रहा है तो इसके जगह आप जो नाम मैंने बताया इसका यूज आप लोग कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके वैरायटी के बारे में। दोस्तों, ये है लिवोमैक 500, इसका दूसरा वैरायटी जो है ये 250 स्ट्रेंज में और 750 यानी कि 250 और 750 में भी इसका टैबलेट मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों लिवोफ्लोक्सासिन जो उसका सस्पेंशन यानी कि सिरप भी मिलता है और लिवोमैक इन्फ्यूजन भी मिलता है, तो यही कुछ वैरायटी मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं ये लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg जो टैबलेट है ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है, ये किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो दवाई है ये शरीर में जाने के बाद ये डीएनए ग्लेसी नाम की बैक्टीरिया का एंजाइम को बंद कर देता है। ये बैक्टीरिया का सेल डिवाइडिंग, सेल रिपेयरिंग होने नहीं देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है और शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। तो आसान शब्दों में यही इसका काम करने का तरीका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये जो दवाई है ये कौन सा बीमारी में यूज होता है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है, ये किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों टॉन्सिल्स, स्किन इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, थ्रॉट इन्फेक्शन यानी कि ईएनटी का जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। हालांकि उसके लिए दूसरा बहुत सी मेडिसिन यूज किया जाता है, जब वो मेडिसिन से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है तो उस समय ये लिवोफ्लोक्सासिन इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों लंग्स यानी कि फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम हुआ, निमोनिया, टाइफाइड, ईआर इन्फेक्शन, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज्यादा इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। खास करके टाइफाइड फीवर में भी इस दवाई का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यही है इसका यूजेस। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका डोजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो लिवोमैक 500 ये बीडीपीसी यानी कि दिन में 2 टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। हालांकि इसको सिंगल कंटेंट में ज्यादा दिया नहीं जाता है, तो इसके साथ दूसरा और कोई एंटीबायोटिक रहता है, तो उस समय इस लिवोमैक 500 को 1 टाइम करके दिया जाता है। और कभी कभी जरूरत पड़ने पे इसका 750 वेरिएंट का जो मेडिसिन आता है उसको भी दिन में 1 टाइम दिया जाता है। दोस्तों, ये जो दवाई है ये 2 साल के नीचे के बच्चों को इस लिवोफ्लोक्सासिन दिया नहीं जाता है, और 2 साल के ऊपर का जो बच्चा है उसको वजन के हिसाब से इसको दिया जाता है। तो ये 15-20 mg पर केजी पर डे यानी कि 15-20 mg पर केजी पर डे इसको सिंगल डोज में दिया जाता है।
चलिए दोस्तों अभी जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे हेडेक यानी कि सर दर्द होना, नौसिया उल्टी जैसा लगना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो लैट्रिन है जो टॉयलेट है वो साफ नहीं होना, डेजीनेस यानी कि थोड़ा सा वीकनेस फील होना, डायरिया यानी कि लूज मोशन होना। तो इस प्रकार का कुछ इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर आप लोगों को ये दवाई लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम दिखे तो जरूर से जरूर अपना डॉक्टर से कॉन्टेक्ट। और दोस्तों ये जो दवाई है ये शेड्यूल एच ड्रग कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये जो दवाई ये बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से आप इस दवाई को ना लें, क्योंकि इस दवाई में बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट या फिर ओवरडोज से आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो अभी आगे देख लेते हैं इसका कुछ सेफली एडवाइसेस के बारे में। दोस्तों अगर आप अल्कोहल पीते हो तो उस समय इस दवाई को अवॉइड करें, उसको ना ले। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए ये दवाई दिया नहीं जाता है, लेकिन डॉक्टर अपना पेशेंट का कंडीशन को समझ के कभी कभी इस दवाई को प्रेस्क्राइब करता है। और ये दवाई लेने के बाद ड्राइविंग को अवॉइड करें, क्योंकि ये दवाई लेने के बाद आपको थोड़ा सा नींद जैसा या चक्कर जैसा ऐसा कुछ आ सकता है, इसलिए ड्राइविंग ना करें। और अगर आपको किडनी और लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो इस दवाई का उपयोग किया नहीं जाता है। हालांकि इस समय पे भी डॉक्टर अपने पेशेंट को कंडीशन को समझ के उस हिसाब से इस दवाई को प्रिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों यही था लिवोमैक 500 यानी कि लिवोफ्लोक्सासिन 500 के बारे में रिव्यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।